नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर श्वेता है आपके साथ। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर लगातार आफत आती जा रही है। कभी उमेश यादव के घर पर चोरी हो जाती है तो कभी इरफान पठान को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। इसके साथ ही बीते दिनों ये भी खबर आई थी कि मोहम्मद शमी के घर पर जाकर कुछ स्थानीय लोगों ने हंगामा मचाया। इन सभी खिलाड़ियों के बाद एक और खिलाड़ी का नाम सामने आया है जो परेशानी में फंस गए। भारत के दाएं हाथ के मीडियम पेसर परविंदर रवाना पर ग्रेटर नोएडा में 5 अज्ञात लोगों द्वारा कथित रूप से हमला करने का मामला सामने आया है। खबर के मुताबिक अवाना के साथ मारपीट हुई है। ग्रेटर नोएडा में उनको 5 लोगों ने पीटा है। हमलावर अवाना पर हमला करके फरार हो गए। पुलिस को जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली वो तफ्तीश में जुट चली है। गौरतलब है कि 31 साल के अवाना इंडियन प्रीमियर लीग में किंग 11 पंजाब के लिए खेलते हैं और वो नोएडा के ही रहने वाले हैं। ये मारपीट क्यों हुई है अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि इससे पहले भी साल 2014 में परविंदर अवाना की पिटाई हुई थी। उस वक्त एक पुलिसकर्मी ने उन्हें परिचय बताने के बावजूद पीटा था। ये घटना नोएडा के सेक्टर 18 की है। कार पार्किंग को लेकर दारोगा और अवाना के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद दारोगा ने अवाना की पिटाई कर दी थी। हालांकि बाद में उस दारोगा को निलंबित कर दिया गया था। इसके साथ ही आपको बताते चले कि परविंदर अवाना ने साल 2012 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा था। उन्हें 21 दिसंबर 2012 को इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच के लिए चुना गया था। अवाना ने साल 2016 में आखिरी बार किंग्स 11 पंजाब के लिए आईपीएल का मैच खेला था। हालांकि इस साल के आईपीएल में उन्हें किसी भी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा था। इसके अलावा वह दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट भी खेले हैं। इस खबर में हमने आपको बताया कि दाएं हाथ के मीडियम पेसर परविंदर अवाना पर ग्रेटर नोएडा में कथित रूप से 5 लोगों द्वारा हमला करने की बात सामने आई है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया राजनीति की अनेक खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।